मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में विजयदशमी पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत पर एक बार फिर रावण दहन कर सभी को संदेश दिया गया। स्कूल के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल ने सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। असत्य चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, पर अंत में सत्य की ही विजय होती है। और इसी अटल सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष दशहरे का आयोजन किया जाता है। आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में भी 13 अक्टूबर 2021 को असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व दशहरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक सुंदर भजन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की संगीत अध्यापिका रुचि भटनागर ने बहुत ही सुरीले स्वर में राम कथा गाकर सभी को भक्तिमय कर दिया। विद्यालय के डांस टीचर शुभम शर्मा और अन्य विद्यार्थियों ने सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से भगवान राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने चौपाई गायन के द्वारा वातावरण को राम भक्ति में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार चतुर्वेदी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को महानवमी और दशहरे की बधाई देते हुए कहा कि दशहरे पर्व की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर पाएंगे। उन्होंने सभी को श्री राम के आदर्शों पर चलने की सीख देते हुए कहा कि रावण महाज्ञानी, महातपस्वी और महाशक्तिशाली होने के बावजूद सिर्फ अपने अहंकार के कारण अपने कुल के नाश का कारण बना, जबकि भगवान राम ने अत्यंत कष्ट सहकर भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, रघुकुल शिरोमणि कहलाए। अतः हम सभी को भी अपने मन के रावण को मारकर जीवन में राम पथ को अपनाना होगा। जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, इन सब लोगों ने एक साधारण आदमी की तरह अपना जीवन जिया और संघर्ष करते हुए मानवता को राह दिखाई। और मानवता को जब हम कहते हैं कि राह दिखाई, तो उसका मतलब है कि सब लोग धर्म का पालन करें। धर्म मीन्स ड्यूटी। इसीलिए ये बुराई और अच्छाई की लड़ाई सदैव चलती रहती है। तो रावण वॉज द सिंबल ऑफ इविल, दैट्स व्हाई राम हैड टू वेज वॉर अगेंस्ट हिम। सो कहने का मतलब कि रावण तो उस 10,000 साल पहले मर गया, उसको जला दिया गया, फिर भी आज हम उसको बार बार क्यों जलाते हैं मरे हुए आदमी। उसका सिर्फ मतलब ये है कि जो हमारे अंदर की बुराई है उसको हम खत्म करें। अंत में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले के दहन के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। आज आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में दशहरे का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें रावण दहन का प्रोग्राम था। संदेश बच्चों को एक ही दिया जाता है दशहरे पे कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है बुराई पे, और बच्चों को हमेशा सच्चा और हिम्मत ही होना चाहिए, तभी हर चीज़ पे वो जीत पा सकते हैं। विजयदशमी पर क्या संदेश सभी मुरादाबाद वासियों को बताइए? महानगर वासियों को पहले तो विजयदशमी की शुभकामनाएं, और
यही संदेश है कि आने वाले त्यौहार विजयदशमी दिवाली सब आपस में सौहार्द से मनाएं और एकता से मनाएं और हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहें।